हाय हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दाऊद व्लॉग्स। सो गणेश जी का फेस्टिवल आया था। आई होप आप लोगों के सभी के घर में गणेश फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो हमारे घर पे डेढ़ दिन के गणेश जी आते हैं, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, उनके भाई और मेरे ससुर जी सब मिलके गणेश जी को लेके आ रहे हैं घर पे। सो उनके वेलकम के लिए यहाँ पे मैंने हमारे साउथ इंडिया में ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, यानी कि उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो यहाँ पे चौखट का भी पूजा, मतलब पूजा वूजा कर लेते हैं, रंगोली वगैरह हम लोग, मैंने डाल दिया है सब कुछ। तो यहाँ पे गणेश जी आ गए हैं और यहाँ पे इनका यहाँ पे मतलब टीका वगैरह करके फिर पूजा करके उन्हें घर में स्वागत किया जाता है। तो हम मेरे सासू माँ आ रहे हैं आरती की थाली लेकर। सॉरी गाइस, थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है, इसकी वजह से मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो सबके घर में 5 दिन 9 दिन के गणेश जी बैठते हैं, किसी किसी घर में डेढ़ दिन, तो मोस्टली तो डेढ़ दिन ज़्यादा बैठते हैं। तो हमारे घर पे डेढ़ दिन के गणेश जी है। सो यहाँ पे मैंने दिव्यांश को धोते पहनाया है। सो यहाँ पे फर्स्ट आरती हो रहा है भगवान जी का। मेरे मायके में भी 5 दिन के पहले गणेश जी बैठते थे, तो हम लोग ही घर पे आरती करते थे, तो वही भजन वगैरह सब मुझे आता है, मैं मतलब गा लेती हूँ थोड़ा मोड़ा। तो पहले दिन यानी कि गणेश जी के एक दिन पहले से मेरा फास्ट रहता है, तो मैंने अभी तो कुछ खाया नहीं है। और गणेश जी आने के बाद फिर उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद मैं उपवास मतलब व्रत छोड़ती हूँ। तो हर साल मैं ये फास्टिंग करती हूँ गणेश जी के फेस्टिवल पे। सो पहली आरती कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली आरती करके भोग लगा के फिर हम लोग सब खाना खाने वक्त 4 बज गए थे, फिर शाम को 7-8 बजे फिर आरती हम लोग ने किया है यहाँ पे सब फैमिली मिलकर। एक्चुअली एक दिन पहले से ही मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मुझे बॉटल वगैरह चढ़े थे, तो यहाँ पे रात होते होते मैं बहुत ही वीक हो गई थी और मैं एक जगह पे बैठ गई भगवान की आरती के लिए। सो यहाँ पे इवनिंग की आरती कंप्लीट हो गया है और प्रसाद के लिए हम लोग ने चना का प्रसाद बनाया था, पता नहीं हमारे साउथ इंडिया में बनता है वो। सो गणेश जी के फेस्टिवल में 5 दिन हो या 9 दिन हो या डेढ़ दिन हो, बहुत ही यानी कि अलग ही माहौल सा छा जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति लगती है, घर में भजन प्रार्थना वगैरह होता है। तो सो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे तनिष्का और कियांश, मेरी ननद की लड़की है तनिष्का, दोनों अच्छे से खेलते खेलते रहते हैं और अचानक दोनों की फाइटिंग भी हो जाती है। दोनों सेम एज के हैं, अगर खेलते तो बहुत ही अच्छे से खेलते हैं और अचानक फाइटिंग भी करने लगते हैं, और बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो ये दूसरे दिन का है और विसर्जन का टाइम हो रहा है दोपहर का। तो यहाँ पे हमारी मतलब डेढ़ दिन के गणेश जी हैं। सो यहाँ पे बच्चों को मैंने धोती पहनाया है, बहुत ही क्यूट लग रहा था दिव्यांश। मेरे 3-4 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं और वीकनेस भी फील हो रहा था, चक्कर आ रहा था। मैं विसर्जन में जाने वाली थी बट नहीं जा पा रही थी, और कियांश मतलब जाने वाला है, सो उसको मैंने साउथ इंडियन गेटअप में रेडी किया है। सो अभी विसर्जन की प्रिपरेशन चल रहा है। सो विसर्जन के लिए क्या क्या लेके जाना है, आरती का सामान, वहाँ पर भी आरती करना होता है, एंड जो भी फूल वगैरह होते हैं वो भी लेके जाना होता है। तो ये सब लोग जा रहे हैं विसर्जन में। सो विसर्जन में सब बच्चे भी गए हैं। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव्स के घर आए थे, वो लोग ने इनवाइट किया था आरती के लिए। सो ये 5वें दिन की आरती है गणेश जी के।
यहाँ पे आरती होने के बाद हम लोग थोड़े बाहर भी जो गणेश जी बैठे हैं और वहाँ पे भी सोसाइटी वगैरह वहाँ पे भी दर्शन करके जाने वाले हैं। सो ये वाला ये जो गणेश जी डेकोरेशन है वो हमारे एरिया का है, राम मंदिर पे बनाया गया है ये। इतनी भीड़ थी, हम लोग दर्शन करने वाले थे लेकिन बहुत भीड़ थी और टिकट तो मिला नहीं था, सो हम लोग ने बाहर से ही दर्शन करके चले गए। सो यहाँ पे दिव्यांश को कपड़ा फाड़ने में इसको बहुत मज़ा आ रहा था, ये फाड़ रहा था और जब नहीं फट रहा है तो रोने लग रहा था, देखिए। सो गाइस, ये गणेश जी का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।